भैया एक बार अपना फोन दिखा दोगे, एक कॉल करनी है। हाँ जी भैया कर लो कॉल। भैया सिम बंद से करना। हेलो मैम, मैं ना अभिषेक बात कर रहा हूँ, आपका रेस्टोरेंट है ना, मैं ना एक कुक हूँ। मैडम मुझे ना नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे नौकरी पे रख लीजिए। हाँ पर हमारे यहाँ ऑलरेडी कुक है ना। मैम आप जितनी सैलरी उसको देते हो ना, मैं उससे आधी सैलरी पे काम करने के लिए भी तैयार हूँ। बस मैम आप ना मुझे नौकरी पे रख लीजिए, मुझे ना नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे भैया वो अच्छा काम कर रहा है, मैं उसे कैसे हटा दूँ। मैम मैं आपके रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा काम करने को भी तैयार हूँ, मैं ना आपके रेस्टोरेंट की क्लीनिंग भी कर दूंगा और सारा काम कर दूंगा और सब्जियां भी काट दूंगा, सब काम कर दूंगा और डबल काम कर दूंगा। और मैम मैं ना आपसे सैलरी भी आधी लूंगा और मैं उसमें काम ज्यादा करूंगा, प्लीज मैम आप मुझे काम पे रख लीजिए। अरे भैया वो अच्छा काम कर रहा है, उसे ऐसे कैसे हटा सकती हूँ। अरे भैया नहीं है जरूरत, जो मेरे यहाँ अच्छा काम कर रहा है मैं उससे बहुत खुश हूँ। एक काम करो तुम ना कहीं और देख लो। कमाल है मैम, मैं आधी सैलरी में डबल काम करने के लिए तैयार हूँ, आप फिर भी मुझे मना कर रहे हो। अरे जुबान नाम की भी कोई चीज होती है, जब वो सही काम कर रहा है तो मैं उसे ऐसे कैसे निकाल दूं। ठीक है मैम कोई बात नहीं। थैंक यू भैया। वैसे भाई अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरा खुद का रेस्टोरेंट है और तुम मेहनती भी लग रहे हो तो मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई मुझे नौकरी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों भीख मांग रहा था कि नौकरी दे दो नौकरी दे दो। अरे बोला ना भैया मुझे नहीं है नौकरी की जरूरत। अबे तेरे पास खुद का फोन भी है तो फिर तूने मुझसे फोन क्यों मांगा। अरे भाई अगर मैं तुमसे फोन ना मांगता अपने फोन से करता तो मेरी मैडम मुझे पहचान ना लेती। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये मैंने जिनको फोन किया था ना वो मेरी मैडम थी और मैं उन्हीं के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। और भाई जिस कुक को मैं निकलवाने की बात कर रहा था ना वो कुक मैं ही हूँ। मैं तो बस अपनी मैडम का टेस्ट ले रहा था कि अगर उन्हें कोई कम सैलरी वाला मिल जाता है वो मुझे नौकरी पे रखेंगे या निकाल देंगे, तो मुझे पता लग गया कि मेरी मैडम मुझे रखेगी और इसका मतलब ये है कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ अपना। आपको पता है भैया ये चीज़ मैंने क्यों करी, मैंने एक लोन लेने वाला हूँ और प्राइवेट नौकरी का तो आपको पता ही है कब कौन नौकरी से निकाल दे, तो बस मुझे ये श्योरिटी चाहिए थी कि अगर मैं लोन ले लेता हूँ क्या मैं वो चुका पाऊँगा। हाँ मुझे एक चीज़ तो पता लग गई कि मेरी मैडम मुझे बिना गलती नहीं निकालेंगी। बाकी भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू आपने मुझे फ़ोन दिया। और भैया आपको एक बात बताऊँ, मेरी मैडम ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने ना मेरा हर जगह साथ दिया है। पर ना मेरे मन में ना एक डर था क्योंकि ना भैया आज की डेट में ना हर कोई इंसान अपना फ़ायदा देखता है, हर कोई ना यहाँ से एक दूसरे से मतलब से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं आपकी बात करूं, आपको भी देखो अगर आपको भी कोई कम सैलरी पर मिलता तो आप नॉर्मल सी बात है आप भी यही काम करते। पर भैया यहाँ पर ना बात लॉयल्टी की थी, मैं तो अपना काम पूरे लॉयल होकर कर रहा था, बात ये थी कि मेरी मैडम भी मेरे साथ उतनी लॉयल है जितना लॉयल मैं हूँ, तो वही चीज़ मैं देखना चाहता था और ये चीज़ आज मैडम ने क्लियर कर दी। और रही बात अब काम की, मैं अब काम यहाँ से कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जो बातें आज मैंने मैडम से सुनी है शायद और कोई मालिक ये चीज़ें ना करता, उन्होंने जो किया है इससे पता लगता है बहुत अच्छी मालकिन है मेरी, यही काम करना है और लोन लूँगा और लोन चुक भी जाएगा और क्या पता काम अच्छा करूँगा तो मैडम मेरी सैलरी बढ़ा दें। भाई तुम यहाँ से नौकरी कहीं में छोड़ना क्योंकि इससे अच्छी नौकरी और इससे अच्छी ऑनर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। चलो भाई ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो अपनी लाइफ में।